नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 20 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बड़े अपराधियों की खैर नहीं, मरीन ड्राइव की तर्ज पर बिहार में बनेगा रिवर फ्रंट। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए स्पॉट नामांकन की तारीख बढ़ी आगे। बीसीसीआई ने अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम इंडिया का किया ऐलान। बिहार में कोविड 19 के मिले 5 से ज्यादा मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इथेनॉल उत्पादन से जुड़े निवेशकों के आने से होगा लाभ। बिहार में इथेनॉल उत्पादन को लेकर लगातार बिहार सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में बिहार में बंद पड़ी गन्ना मिलों को खोलने का रास्ता साफ हो गया है, जिसकी जानकारी गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने दी है। साथ ही ये भी उम्मीद जताई है कि जल्द ही बिहार में बंद पड़ी चीनी मिल चालू होगी। साथ ही इस बात का भी दावा किया है कि इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में बहुत निवेशक आएंगे, जिसका चौतरफा असर बिहार में होगा। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि गन्ना के लिए मुख्यमंत्री गन्ना विकास नीति है, उसके लिए किसानों को अनुदानित दर पर बीज मिल रहा है। इससे पहले मंत्री और भाजपा नेता प्रमोद कुमार ने पार्टी के केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर में शिरकत किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर लगा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आलोकनाथ की। आलोकनाथ एक भारतीय फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार है, जो मुख्यतः हिंदी फिल्मों में नजर आते हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा में बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। आलोकनाथ का जन्म 10 जुलाई 1956 को पटना बिहार में हुआ था। आलोकनाथ ने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में फिल्म गांधी से की थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई तरह की भूमिका अदा की है। उन्हें सूरज बड़जात्या और राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों में अच्छे पिता का किरदार निभाने से हिंदी सिनेमा में बेहद प्रसिद्धि मिली, जिस कारण दर्शक भी उन्हें बाबूजी कहने से कोई गुरेज नहीं करते। बड़े पर्दे पर ही नहीं, छोटे पर्दे पर भी उन्होंने एक अच्छे पिता की भूमिका अदा की है, जिसमें सीरियल बाबूल की विदाई, यहां मैं, घर घर खेली जैसे शो शामिल है। आलोकनाथ के प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो इसमें गांधी, मशाल, हम साथ साथ है, कच्ची कली, पेट प्यार और पाप, जेवर, ये वो मंजिल तो नहीं, कयामत से कयामत तक, विवाह जैसी कई फिल्में शामिल है। बिहार और यूपी को जोड़ने वाले पीपा पुल पर 25 दिसंबर से हो सकता है आगमन। बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले पीपा पुल का काम अधूरा रह गया है। बिहार और यूपी को जोड़ने वाले पीपा पुल लगने में इस साल देर हो रही है। माहुली घाट स्थित पीपा पुल को पिछले 22 नवंबर से ही लगाने का काम शुरू हुआ था। अब तक कुल 54 पीपा लगे हैं। कुल 62 पीपा लगने के बाद ही इस पर छोटे वाहनों का परिचालन शुरू हो पाएगा। कुछ पीपा खराब है, जबकि 4 पीपा को नाव से अवैध बालू की ढुलाई कार्य रोकने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर कोइलवर स्थित सोन नदी में लगाया गया है। इसके अलावा अन्य पीपा को लगाने का काम तेजी से चल रहा है। कम पड़े पीपा को पटना से लाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी 25 दिसंबर को पीपा पुल पर छोटे वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसको लेकर संवेदक को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिहार के सारण जिले के चिरांद में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। चिरांद छपरा से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज बाजार के समीप घाघरा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। चिरांद ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल, इन दोनों कालों का जीता जागता गवाह है। जहां खुदाई करने पर बौद्ध काल, ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के प्रमाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सन 1962 से 1963 में प्रोफेसर बीपी सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के शेष मिले हैं। इसकी कार्बन तारीख ईसा पूर्व 4900 ज्ञात हुई है। बिहार में अब बड़े अपराधियों की खैर नहीं। बिहार में एक बार फिर से स्पीडी ट्रायल को तेज करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र जारी कर दिया है। साथ ही बड़े और विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आपराधिक कांडों की सूची बनाने के लिए कहा है। इसमें सभी गंभीर आपराधिक मामलों को प्रमुखता देने को कहा गया। साथ ही साथ सरकारी राशि के दुरुपयोग और गबन से जुड़े मामलों के साथ वैसे मामलों को भी शामिल किया जाएगा, जिसके संबंध में न्यायालय में त्वरित विचरण करने का निर्देश दिया गया हो। स्पीडी ट्रायल के लिए जिला अभियोजन पदाधिकारी और लोक अभियोजकों को जिला के थाना अध्यक्षों के सहयोग से हर कोठी में 100-100 कांडों की सूची बनाने को कहा गया है। यह सूची जिलों के एसपी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा एसपी अपराध की गंभीरता और पीड़ितों की संख्या, साक्षी आदि के आधार पर प्रत्येक कोठी से कम से कम 25-25 कांडों की सूची तैयार करने का आदेश जारी किया गया है। मरीन ड्राइव की तर्ज पर बिहार में बनेगा रिवर फ्रंट। नमामि गंगे परियोजना से मरीन ड्राइव के तर्ज पर योग नगरी में रिवर फ्रंट बनने वाला है। सूबे की राजधानी पटना के बाद मुंगेर में भी रिवर फ्रंट का निर्माण होगा। योजना के तहत शहर के 12 गंगा घाटों का चयन किया गया है। रिवर फ्रंट योजना के तहत गंगा घाट के करीब पैदल पथ और खूबसूरत पार्क बनाए जाएंगे, जिसके तहत योग नगरी के लोग आने वाले दिनों में गंगा की स्वच्छ हवाओं के बीच सुबह शाम सैर कर सकेंगे। भागदौड़ में व्यस्त जीवन के बीच इन जगहों पर जाकर लोग सुकून के दो पल व्यतीत कर सकेंगे। इस योजना के तहत गंगा घाटों
घाटों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है और बबुआ घाट और दोमठा घाट पर सीढ़ी निर्माण के साथ ही इन घाटों के अप्रोच पथ को दुरुस्त किया गया है, लेकिन तकनीकी कारणों से योजना को अभी विराम दिया गया है। संविदा के आधार पर नवासी मेडिकल ऑफिसर का नियुक्ति। बिहार में जल्द ही मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति होने वाली है। ज्ञात हो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सीय सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। चिकित्सकों, परिचारिकाओं और कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लोगों को सुगमतापूर्वक और शीघ्र इलाज मुहैया हो सके, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सीय सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। यही कारण है कि केंद्र पर चिकित्सकों, परिचारिकाओं और कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। इसी के तहत नवासी मेडिकल ऑफिसर की संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है। सभी नवनियुक्त मेडिकल ऑफिसर को 31 दिसंबर तक अपने अपने आवंटित जिलों में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र पर इलाज कराने वाले मरीजों की तादाद साल दर साल बढ़ती जा रही है, इसलिए शहरी इलाके के स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की प्रक्रिया चल रही है। 31 दिसंबर तक बनाने होंगे 4.67 लाख मकान। बिहार में पीएम आवास योजना के तहत निम्न तबके के लोगों को घर मुहैया करवाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत 100% आवासों का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। हालांकि इसको पूरा करने के लक्ष्य की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को निर्देश दे दिया है कि इस अवधि तक सभी आवासों को पूरा कर विभागों को रिपोर्ट भेजे। इस योजना के तहत 15 दिसंबर तक कुल 26.94 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 22.27 लाख पूरे हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ शेष आवास निर्माणाधीन है। इस तरह 16 दिनों में 4,67,000 आवास बनाने की चुनौती होगी। शुरू हुआ शीतलहर का प्रकोप। बिहार में शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। आलम कुछ यूं है कि पटना से लेकर पूर्णिया तक कंपकंपाने वाली ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पटना में रविवार को न्यूनतम तापमान में जोरदार गिरावट आई और तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के कारण यह स्थिति बनी है। आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा कम हो सकता है। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। हालांकि ऐसा कब से होगा इसका कोई निर्धारित समय तो नहीं है, लेकिन हवा के बहाव को देखते हुए ऐसी संभावना बन रही है कि विभाग का कहना है कि 7 डिग्री से कम तापमान का मतलब शीतलहर चलना होता है। ऐसे में पटना सहित अन्य जिलों में अब शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। नीतीश के कैबिनेट की वाल्मीकि नगर में होने वाली बैठक का कार्यक्रम हुआ जारी। बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक लगभग हर महीने ही होती है, जो कि आमतौर पर तो राजधानी पटना में ही आयोजित होती है, लेकिन इस बार कैबिनेट की बैठक का जगह बदलने वाला है। वाल्मीकि नगर में इस साल की अंतिम कैबिनेट की बैठक 21 दिसंबर को प्रस्तावित है। बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। वन सभाकर को ऑडिटोरियम का रूप दिया गया है। अब तक के तय कार्यक्रम के अनुसार 1:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के लिए चिन्हित भूमि का जायजा लेंगे, जिसके बाद अगले दिन 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे सीएम समाज सुधार यात्रा रैली में शामिल होने के लिए मोतिहारी रवाना हो जाएंगे। सीएम नीतीश के समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में हुआ फेरबदल। 22 दिसंबर से सीएम नीतीश सभी जिलों की यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर बीते कई दिनों से ही कार्यक्रम जारी कर दिए गए थे। साथ ही उनकी यात्रा का नाम भी बदल दिया गया है। इसी बीच उनके कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत सभी जिलों में उनके आगमन को लेकर कार्यक्रम जारी होने के बाद अब तय कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ है। मुख्यमंत्री अब 6 जनवरी के बदले 8 जनवरी को मुंगेर जिला की समीक्षा करेंगे। 6 जनवरी को खगड़िया और बेगूसराय जिले की समीक्षा का कार्यक्रम तय किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा के तहत प्रदेश के सभी जिलों से जुड़ेंगे और मद्य निषेध, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह समेत कई मामलों की समीक्षा के साथ ही जनसभाएं भी करेंगे। क्रिसमस और नए साल पर नहीं कर सकेंगे गंगा की सैर। नए साल और क्रिसमस के मौके पर अक्सर आप में से बहुत से लोग घूमने फिरने जाया करते होंगे, जिसमें आप गंगा की सैर का प्लान भी बना ही रहे होंगे। लेकिन इस बार नए साल पर आप गंगा नदी की सैर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर गंगा में निजी नाव के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी नवीन कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने धारा 144 का प्रयोग करते हुए गंगा नदी में 24 दिसंबर और 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर और 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2022 को नए वर्ष के अवसर पर किसी भी तरह की निजी नाव के परिचालन को बंद रखने का आदेश दिया है। ज्ञात हो क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी के तट पर गंगा नदी में बने टापू पर परिवार के साथ पहुंचते हैं। ऐसे में बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है।
बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए स्पॉट नामांकन की तारीख बढ़ी आगे। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए स्पॉट नामांकन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। बिहार बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने इंटरमीडिएट 2021-23 सत्र में नामांकन से वंचित रह गए छात्रों के लिए एक और मौका दिया है, जिसके तहत ही बिहार बोर्ड ने अब इंटर स्पॉट नामांकन की डेट 18 से 27 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। ज्ञात हो कि स्पॉट नामांकन 17 से 22 अक्टूबर तक हुआ था, लेकिन अब भी कई स्कूल और कॉलेज में विषयवार सीटें रिक्त हैं। यही कारण है कि बोर्ड ने सभी स्कूल और कॉलेज को नामांकन के लिए रिक्त सीटों की जानकारी प्रदर्शित करने को कहा है। इसके साथ ही जो छात्र नामांकन लेंगे उनकी सूचना 28 दिसंबर तक अपडेट करने का निर्देश भी दिया गया है। रेचल के ट्विटर अकाउंट पर मचा बवाल। तेजस्वी यादव की शादी के बाद से ही उनकी धर्मपत्नी रेचल के बिहार की राजनीति में एंट्री मारने की बात कही जा रही थी। हालांकि इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन रेचल के ट्विटर अकाउंट को लेकर बिहार के गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि बीते दिनों की बात करें तो रेचल के ट्विटर पर आने की खबर सामने आई थी। डिस्क्रिप्शन में रेचल के बारे में बिहार के दो पूर्व सीएम की बहू लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की पत्नी विपक्ष के नेता बिहार विधानसभा और डिप्टी सीएम लिखा गया था। हालांकि जांच पड़ताल करने पर पता चला कि अकाउंट रेचल का है ही नहीं। अकाउंट के संबंध में पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि अकाउंट पूरी तरीके से फेक है। रेचल ने इस प्रकार का कोई अकाउंट नहीं बनाया है, किसी ने शरारत के मकसद से अकाउंट बना दिया है, इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बिहार में कोविड 19 के मिले 5 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 6 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 85 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 4, सिवान में 1 और वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी कोविड 19 मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,67,405 सैंपल की जांच की गई। वहीं कुल मिलाकर 2 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। बिहार के इस रेल सुरंग में नहीं छाएगा अंधेरा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे बिहार में एक खास सुरंग बन रहा है जो कि मालदा रेल मंडल के जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित बरियाकोल में बन रहा है। रेलवे की माने तो यह सुरंग बेहद खास होगा और अन्य सुरंगों से बिल्कुल अलग होगा। आमतौर पर रेलवे सुरंग में अंधेरा या कब रोशनी होती है, लेकिन इस सुरंग में बेहतरीन लाइट की व्यवस्था होगी। अभी रेल सुरंग का वॉल पुट्टी का काम किया जा रहा है। सुरंग के अंदर के तमाम हिस्सों को पुट्टी चढ़ाई जा रही है, जिसके बाद पूरे सुरंग की रंगाई की जाएगी। रेलवे सूत्रों की माने तो 2022 में इस सुरंग में ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने महाराष्ट्र में कई डेयरी प्लांट का किया दौरा। बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई डेयरी प्लांट का दौरा किया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में दूध की क्रांति लाने और युवाओं को डेयरी से जोड़कर रोजगार देने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि बिहार में दूध उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। बिहार में दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने और दूध उत्पादकों की आय दोगुनी करने और दूध उत्पादों से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि विकासशील इंसान पार्टी भी बिहार के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। वीआईपी पार्टी ने इसके लिए निषाद विकास रोजगार आवेदन प्रपत्र eform.vipparty.in लॉन्च कर चुकी है। राजधानी पटना में हेल्थ कैंप का हुआ आयोजन। राजधानी पटना में बीते दिन डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है और वो LNJP दिल्ली में अपनी सेवा दे रहे थे, उन्होंने ही पटना सिटी के भद्रघाट में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया था, जिसमें 60 मरीजों को ऑपरेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें मरीजों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गॉल ब्लैडर स्टोन, गैस से संबंधित परेशानी और जनरल परेशानी के बारे में बताया गया है। मरीजों को कोविड से बचने के तरीकों और सुरक्षा सावधानियों के बारे में भी बताया गया है। इतना ही नहीं, इस कैंप में मरीजों को काम की दवा भी मुफ्त में दी गई है। नीतीश कुमार की पार्टी ने दिल्ली में फूंका बदलाव का बिगुल। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जदयू अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर बिहार के जल संसाधन मंत्री और दिल्ली के जदयू प्रभारी संजय झा ने जदयू की तरफ से बिगुल फूंक दिया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि यह अजीब विडंबना है कि नई पीढ़ी को सही राह दिखाने के बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री हर चौक चौराहे पर शराब की दुकान खुलवा रहे हैं। इसको लेकर माता और बहनों में रोष है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जदयू प्रभारी संजय झा ने उक्त बातें दिल्ली के बदरपुर में आम आदमी पार्टी के सुषमा मिश्रा के जदयू में शामिल होने को लेकर आयोजित मिलन समारोह में कही है। इस समारोह में आम आदमी पार्टी की नेत्री और हरिनगर वार्ड से पार्टी की पूर्व प्रत्याशी सुषमा मिश्रा सहित कई स्थानीय नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ जदयू का दामन थामा है। जो आपके अस्तित्व पर पप्पू यादव इस दिन लेंगे अपना फैसला।
जन अधिकार पार्टी ने जब से उपचुनाव में कांग्रेस का हाथ थामा था तब से ही जाप और कांग्रेस के सांठगांठ की खबरें मीडिया में चल रही थी। हालांकि अब तक पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा है, जिसके बाद से ही जाप के अस्तित्व को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। इसी बीच जन अधिकार पार्टी के अस्तित्व को लेकर जल्द ही कोई फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जन अधिकार पार्टी के विलय के सवाल पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि पार्टी मर्ज हो रहा है, ऐसा कहां बात आई है। 16 जनवरी को हमने बापू सभागार में सभी वर्करों को बुलाया है। बिहार बचाने में हमें क्या करना है, चाहे एमएसपी हो, विशेष राज्य का दर्जा हो या अपराध, इन मुद्दों के साथ किस पार्टी के साथ रहना है, इस बात को तय करना है। इस पर विचार किया जाएगा, जिस पर 16 को ही अब कोई फैसला होगा। तेजस्वी के साथ खड़े हुए जीतन राम मांझी। बिहार में भले ही मांझी एनडीए के साथ है, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा हो उसमें मांझी का बयान जरूर आता है। वहीं हाल ही में बिहार में बेरोजगारी दर पर एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, जिस पर विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो सरकार का घेराव किया ही, मांझी ने भी तेजस्वी की हां में हां मिलाई है। मांझी ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा करने वाले हैं, इससे पहले भी वो यात्रा कर चुके हैं। तेजस्वी यादव भी अगर यात्रा पर निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, बिहार में बहुत बेरोजगार लोग हैं, अगर ऐसे में तेजस्वी उनको जगाने के लिए यात्रा करते हैं तो इस पर सवाल उठाने वाली कौन सी बात है। राजनीतिक पार्टी है, उनकी वो यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही मांझी ने यह भी कहा है कि यह सच है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में ही है। बीसीसीआई ने अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम इंडिया का किया ऐलान। अखिल भारतीय जूनियर चयन समिति ने 4 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक वेस्ट इंडीज में खेले जाने वाले आगामी आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 17 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट के 14वें संस्करण में 16 टीमें वर्ल्ड कप में उतरेंगी। टूर्नामेंट में कुल 48 मैच खेले जाएंगे। दिल्ली के बल्लेबाज यश ढल को टीम का कप्तान बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के एसके रशीद को उप कप्तान बनाया गया है। हरियाणा के दिनेश बना को और यूपी के आराध्य यादव को बतौर विकेटकीपर टीम में शामिल किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। लाइव क्लाइव को 1757 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की। महात्मा गांधी 1946 में श्रीरामपुर में एक महीने तक रुके। भारतीय गोल्फ संघ का 1955 में गठन आज ही के दिन हुआ था। भारतीय गेंदबाज जासू पटेल ने 1959 में कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रन देकर 9 विकेट लिए थे। भारत और पाकिस्तान 1990 में एक दूसरे पर परमाणु हमला न करने पर सहमत हुए थे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 1993 में ब्रेल्स में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्म 1960 में आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नेता और न्यायविद गोकर्णनाथ मिश्र का जन्म 1871 में आज के दिन हुआ था। भारतीय सिनेमा की सुंदर और प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जयवंत का 2010 में निधन आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 19 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,800 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,800 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। ट्रूकॉलर पर अब खुद ही रिकॉर्ड हो जाएगा कॉल। पॉपुलर कॉलर आईडी ऐप ट्रूकॉलर ने कुछ समय पहले ही बेसिक अकाउंट यूजर के लिए कॉल रिकॉर्डिंग फीचर जारी किया था। ये फीचर पहले सिर्फ प्रीमियम यूजर तक ही सीमित था, यानी अब आप फ्री में भी ट्रूकॉल के जरिए कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आपका स्मार्टफोन एंड्रॉइड 5.1 या उससे लेटेस्ट वर्जन पर काम करता हो। नया कॉल रिकॉर्डिंग फीचर खुद को स्कैम और हरासमेंट से बचाने के लिए काफी काम का साबित हो सकता है। इसके लिए आपको स्मार्टफोन के सेटिंग में ट्रूकॉलर कॉल रिकॉर्डिंग फीचर मिलेगा। इसे इनेबल करने के लिए आपको बस उस पर टैप करना होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दीपक कुमार, मनीष मोहरा, प्रदीप पाठक, संजीत कुमार, सरजी, जयेंद्र कुमार, सुमित पांडे जी, लाल बाबू, महासेठ माइकल, धीरज बाबू, मुन्ना यादव, प्रेम प्रकाश, नुनू कुमार, राजीव कुमार, पूजा कुमारी, गुलशन कुमार, गणेश साह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में आपराधिक मामलों को सुलझाने में प्रशासन के काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।